गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 4 के हिंदी रिमझिम का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। यह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वो सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाके अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी ला दी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस लड़की का कद बहुत बच्चों से रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान में लगी छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर कहा, लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अंदर पहचान लिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने रात की सांस लिया मुस्कुरा कर बोली। पीछे के पैंडल को पैर से ज़रा दबाओगे, हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसे अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद किया और कहा, अब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुँचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी ली, चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराए। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठ कर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो,
मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिए कई पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सक पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना मिलाया, कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना मिलाया, कहा देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठ कर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे किया खिसकाई, अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े, फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने सड़क पर आगे इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। इस कहानी में एक फरीदा एक सुनीता नाम की लड़की थी, जिसके पा जो पाँव से विकलांग थी, ठीक है, वो कुर्सी पहिया कुर्सी से अपना सारा काम करते, मतलब चलना फिरना, ठीक है, तो उसे बहुत मुश्किल आती थी। तो एक दिन वो बाज़ार को गई, उसकी माँ ने कहा बेटा चीनी लाने ले आओगी, अकेले चले जाओगी? तो उसने कहा हाँ पक्का। वो गई चीनी लेने, तो रास्ते में सब लोग उसे देख, कोई सब लोग मुस्कुराए थे, तो उसको समझ में नहीं आया, कभी कभी तो उसे अच्छा लगा लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आया। फिर उसे रास्ते में फरीदा नाम की छोटी लड़की मिली, उसने पूछ दिया ये तुम्हारे पास क्या है अजीब, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, कह दिया। तो उसकी जैसी सुनीता बताई थी, तभी उसकी माँ ने उसे डांट कर कह दिया तुम्हें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। फिर सुनीता ने निराश होते हुए कहा मैं भी और बच्चों की तरह हूँ, ठीक है। फिर उसी टाइम कुछ बच्चे एक छोटे से बच्चे को चिल्लाए थे छोटू छोटू कह के, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, ठीक है। तो फिर सुनीता जा रही होती है, तो सुनीता जैसी मार्केट में पहुँचती है दुकान में चढ़ने के लिए, उसे क्या कहते सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ियों से चढ़ना था ऊपर, तो उसकी पहिया कुर्सी तो ऊपर नहीं जा पाई थी, तो उसको किसी की मदद की ज़रूरत थी, उसके लिए और सब कर पाना मुश्किल था। तो सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, किसी का उसकी तरह ध्यान नहीं गया। तभी छोटू आया और उसने कहा मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? उसने कहा हाँ, पीछे से उसको मेरे पैंडल को ज़रा ऊपर उठाना। फिर अमित उसकी हेल्प करता है और वो दोनों चीनी नहीं लेते हैं वहाँ से। तभी दुकानदार चीनी उसकी गोदी में रहता है, तो सुनीता फिर गुस्से से कहती है, सुनीता अपना हाथ बढ़ाती है ना चीनी लेने के लिए, लेकिन दुकानदार गोदी में रहता है, तो वो कहती है मैं भी औरों की तरह काम कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे करके फिर वो घर को जाते हैं, बात जाते करते हैं और फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ के प्रश्न उत्तर है कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता है? अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। मनाई माँ ने फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया? ताकि क्योंकि सुनीता को बुरा लगेगा करके, ठीक है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? छोटी है, उसको उसके अंदर जिज्ञासा था, उसे पूछना चाहिए था, ठीक है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या पर या करने या कोई बात कहने में मना किया जाता है? कौन का मना करता है, कब मना करता है? मैं भी कुछ कर सकूँ, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो तुम्हें उसे किस किस काम में परेशानी आएगी? तो उसे किन किन काम में परेशानी आएगी वो बताना है, ठीक है। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए आप 8 साल में तुम क्या क्या कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये सुनीता के बारे में पढ़ के तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी, वे बातें सुनीता को लिख कर आपको बतानी है, ठीक है। फिर कविता से आगे, सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास के रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, वे भी किताब पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? एक्टिविटी आपकी, ठीक है। सुनीता की पहिया कुर्सी आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। हैव अ गुड डे एवरीवन।